सो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 1850 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन है, भंग भंग आंदोलन किस सन में हुआ था? इसका आंसर है 1905। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906, कांग्रेस का बंटवारा 1907, होम रूल लीग आंदोलन 1916, लखनऊ पैक्ट दिसंबर 1916 ईस्वी, मॉन्टेग्यू घोषणा 20 अगस्त 1917, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919, खिलाफत आंदोलन 1919, हंटर कमिटी की रिपोर्ट प्रकाशित 18 मई 1920, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920, चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी, हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन अक्टूबर 1924 ईस्वी, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी, साइमन कमीशन का भारत आगमन 3 फरवरी 1928 ईस्वी, नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी, बरदौली सत्याग्रह अक्टूबर 1928 ईस्वी, लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी, स्वतंत्रता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 ईस्वी, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी से 5 अप्रैल 1930 ईस्वी तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी, प्रथम गोलमेज आंदोलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी, गांधी इरविन समझौता 8 मार्च 1931 ईस्वी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 ईस्वी, कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932 ईस्वी, पूना एक्ट सितंबर 1932 ईस्वी, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 ईस्वी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1 मई 1929 ईस्वी 39 ईस्वी, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी, पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 ईस्वी, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 ईस्वी, क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी, भारत छोड़ो प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 ईस्वी, शिमला सम्मेलन 5 जून 1945 ईस्वी, नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी, प्रधानमंत्री अटल की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी, कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 ईस्वी, अंतरिम सरकार की स्थापना 2 सितंबर 1946 ईस्वी, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी, स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 ईस्वी, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी? विजयलक्ष्मी पंडित। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? अप्सरा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेम माथुर। भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर देओल। भारतीय वायुसेना का प्रथम अधिकारी किसने परमवीर चक्र प्राप्त किया? निर्मलजीत सेंखो। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? सोमनाथ चटर्जी। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के खंसमुखम चिट्ठी। भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्वेश्चंस यही तक थे। ऐसे ही आपको रेगुलर बेसिस क्वेश्चन मिलती रहेंगी। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।